अपने एक दिवसीय दौरे पर ज्वालाजी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेसी हमारी छोड़ अपने बिखरते हुए कुंभे को संभालें जो आए दिन एक दूसरे पर जहर उगलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले विशांता धूमल व नड्डा से सलाह करके चलते थे और आज भी चलते हैं। इसमें कांग्रेसी लोगों को क्या एतराज है, उन्हें कांग्रेस के लोगों से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जमीन से जुड़ा व्यक्ति कभी हिमाचल प्रदेश का सीएम बन सकता है। उन्होंने कहा कि वे 21 साल तक विधानसभा में रहे हैं और मंडल से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष पद तक उन्होंने संगठन व सरकार में रहकर काम किया है। वे विधायक, चेयरमैन, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीएम बने हैं और उनकी सरकार ने पहले 6 माह में धरातल पर काम करके दिखाया है, जो आज तक कोई भी सरकार पिछले 6 महीने में इतना काम नहीं करवा पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे 5 माह में केंद्र सरकार से 4,365 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा कर लाए हैं, जिनमें इन लोगों के मुंह बंद हो गए हैं जो कहते थे कि जयराम ठाकुर दिल्ली में हाजिरियां लगाने जाते हैं और समय बर्बाद करके केंद्रीय नेताओं से मिलकर खाली हाथ आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे पार्टी अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में ही पार्टी की पहली बार प्रदेश में विशुद्ध सरकार बनी थी। और मुझे लगता है कि हमारे लिए पिछली बात है कि बहुत एक पवित्र स्थान पर आकर के इस काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे संगठन की बैठक है और आने वाले समय में सरकार और संगठन मिल करके जो है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भीड़ को हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाते हुए लोगों के जनहित में काम हो, ये सारी चीजें हमारी प्राथमिकता के उसके लिए मुद्दे क्या गया जो मेन मेन मुद्दे हैं अभी देखिए चुनाव से संबंधित जो कोई मुद्दे हम उठाने वाले नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का 6 महीने का कार्यकाल जो है बहुत सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इन 6 महीने के कार्यकाल में जो गति विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर हमने दी है वो आज से पहले मुझे लगता है कि किसी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में नहीं। जो लोग इन सारी बातों को कहते थे कि जयराम दिल्ली जाता है, घूम के आ जाता है, नेताओं को मिल करके आ जाता है, आज उनके मुंह बंद पड़े हैं, क्योंकि सिर्फ 5 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में 4,365 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को हमने केंद्र से स्वीकृत करके लाए। इसमें टूरिज्म का प्रोजेक्ट 1900 करोड़ का है और जिसमें हमारा आईपीएच का इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 800 करोड़ का है और उसी तरह से हमारा जो हॉर्टिकल्चर का लगभग 1200 करोड़ रुपए का है। तो आज से पहले जो मंत्री यहाँ के पूर्व सरकार जो दिल्ली जाते थे वो क्या करते रहे 5 वर्ष, जबकि मोदी सरकार लगातार केंद्र से उनको मदद देती रही। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इन 6 महीने के कार्यकाल में दिल्ली जाकर के जो बहुत सारे लंबित मामले थे उनको आगे बढ़ाया है और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से जो मदद जिस रूप में मिल सकती थी, जहां मिल सकती थी, जिस महकमे से मिल सकती थी, उस मदद को लाने में सफल हुआ। सही लाइन ये था सर कि